तो प्राइवेट कंपनीज में जैसे पीई फंड्स हैं वो पैसा डालते हैं, एचएनआईज हैं वो लोग पैसा डालते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं ये लोग भी पैसा डालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आईपीओ की बात करें तो आईपीओ के केस में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का मेन रोल रहता है सबसे पहले सेबी से अप्रूवल लेना। एक इन्वेस्टमेंट बैंक सपोज गोल्डमैन सैक्स या मॉर्गन स्टैनली, क्या आपको लगता है सिर्फ ये एमएनएज आईपीओज ही करते हैं? सो दोस्तों काफी बार स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एक्चुअली करते क्या है, उनका रोल क्या होता है, प्रोफाइल क्या होता है। तो फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एक तरह से मीडिएटर्स होते हैं जो आपका डील मेकिंग में हेल्प करते हैं। जैसे अगर हम लोग बोलें कि एक कॉर्पोरेट को फंड्स का जरूरत है तो वो किसके पास जाएगा? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के पास। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का मेन काम है डील्स को फैसिलिटेट करना, यानी जिसको फंड्स का जरूरत है उस फंड्स को अरेंज करना फ्रॉम द पीपल हु हैव सरप्लस फंड्स। तो इस प्रोसेस में वी डू लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आईपीओ की बात करें तो आईपीओ के केस में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का मेन रोल रहता है सबसे पहले सेबी से अप्रूवल लेना, राइट? क्योंकि अगर सेबी आपके आईपीओ को अप्रूव नहीं करेगा तो आप आईपीओ फ्लोट नहीं कर सकते। वंस यू गेट अप्रूवल फ्रॉम सेबी देन यू रीच आउट टू द लार्ज इन्वेस्टर्स, जिसको हम एंकर इन्वेस्टर्स बोलते हैं। सो एंकर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? एंकर इन्वेस्टर्स आपको प्री आईपीओ स्टेज पर आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं। यानी अगर आपको अच्छे एंकर इन्वेस्टर से आप फंड रेज कर पाते हैं तो 50% चांसेस हैं कि आपका आईपीओ सक्सेसफुल है, बिकॉज यू हैव रेज चंक ऑफ मनी। एंड सेकेंड, दीज एंकर इन्वेस्टर्स विल गिव कॉन्फिडेंस टू द रिटेल इन्वेस्टर्स ऑल्सो, राइट? तो एंकर इन्वेस्टर्स को फाइंड करना, एंकर इन्वेस्टर्स के बाद जब आप आईपीओ प्लेस करेंगे मार्केट में तो डीआरएचपी उसको फाइल करना, उसके बाद रोड शोज ऑर्गेनाइज करना जैसे मार्केटिंग करना कंपनी की, उसके बाद आईपीओज को मार्केट में लेके आते हैं, राइट? फंड्स कलेक्ट करते हैं, शेयर्स अलॉट करते हैं, उसके बाद जब आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाता है तो देन यू डू प्राइस मैनेजमेंट, जिसको हम ग्रीन शो ऑप्शन बोलते हैं। तो इन सब में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बिकॉज कंपनीज डोंट हैव इन हाउस एक्सपर्टीज टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आपको हेल्प करता है इन रेजिंग फंड्स, राइट, थ्रू पब्लिक प्लेसमेंट। अब अगर किसी कंपनी को फंड्स रेज करना है बट नॉट थ्रू आईपीओस, राइट, दे डोंट वॉन्ट टू गो पब्लिक, तो उस केस में भी बैंकर्स क्या हेल्प करते हैं? दे ऑल्सो रीच आउट टू द बिग इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन टू प्राइवेट कंपनीज, जिसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट्स बोलते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज में जैसे पीई फंड्स हैं वो पैसा डालते हैं, एचएनआईज हैं वो लोग पैसा डालते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं ये लोग भी पैसा डालते हैं। तो इन दीज एक्टिविटीज ऑल्सो यू नीड सम एडवाइजर्स जिनके कनेक्शंस हैं, जो इन्वेस्टर्स को जानते हैं ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ दिस रेजिंग फंड्स फॉर यू थ्रू इन्वेस्टर्स। बैंकर्स क्रिएट योर इन्वेस्टमेंट केस, जिसको हम पिच टेक बोलते हैं। तो इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना कि क्यों वो आपकी कंपनी में पैसा लगाएं, तो ये भी काम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का है। इसमें आप फाइनेंशियल मॉडलिंग भी करते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन भी करते हैं, बिकॉज जब आप अपनी कंपनी में इक्विटी स्टेक डाइल्यूट करेंगे, किसी इन्वेस्टर्स को इक्विटी देंगे, तो आपको ऑब्वियसली वैल्यूएशन करना होगा। तो इस केस में भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आपको हेल्प करते हैं। अब अगर सपोज आपको किसी कंपनी को बाय आउट करना है या अपनी बिजनेस को सेल आउट करना है, जिसको हम बोलते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, तो दे आर ऑल्सो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हेल्प यू। यानी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या करते हैं? दे हैव कनेक्शंस ऑब्वियसली इन द इंडस्ट्री, तो दे विल सपोज आई नीड अ बैंकर्स हेल्प इन सेलिंग माई बिजनेस, इन दैट केस इन्वेस्टमेंट बैंकर्स विल रीच आउट टू दोज कंपनीज जिनको एक्विजिशन करने हैं, जिस इंडस्ट्री में मेरी कंपनी ऑपरेट करती है उस इंडस्ट्री में मेरे बैंक कंपनीज को एक्विजिशन करने। तो बिकॉज ऑफ देयर कनेक्शन दे नो कौन मेरी कंपनी को बाय आउट कर सकता है, राइट? एंड इन दिस प्रोसेस ऑल्सो ऑल दोज यू नो एक्टिविटीज लाइक प्रेजेंटेशंस, डूइंग वैल्यूएशन, मॉडलिंग, ऑल दीज एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। नाउ सपोज माई कंपनी इज स्ट्रगलिंग विद सम प्रॉफिटेबिलिटी इशू, यानी मुझे रिस्ट्रक्चरिंग करना है, राइट? सम टाइम आप देखते हो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जा रहा है, तो देयर ऑल्सो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हेल्प अ लॉट, राइट? तो आई विल रीच आउट टू द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर इश्यूज हैं, राइट? यानी मेरी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी नीचे क्यों जा रही है? हो सकता है कि कुछ नॉन स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज हैं मेरी बिजनेस में जिनको मुझे स्पिन ऑफ करना चाहिए, तो इधर भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का एक्सपर्टीज हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स आप देखते हो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का काम क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का काम है डील मेकिंग करना, यानी टू एक्ट एज एन एडवाइजर और मीडिएटर,
राइट। नाउ फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के डिफरेंट रोल्स की, यानी डिफरेंट लेवल्स की। तो सबसे जूनियर मोस्ट लेवल इन द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज एनालिस्ट, जो सारा एग्जीक्यूशन का काम करता है, यानी मॉडल्स बनाना, वैल्यूएशन करना, पिच डेक बनाना, ये सारा का सारा काम एनालिस्ट और देन एसोसिएट लेवल पे होता है। यानी एनालिस्ट के एक लेवल ऊपर क्या होता है, एसोसिएट, राइट। उसके बाद लेवल आता है वाइस प्रेसिडेंट का, वीपी का। तो वीपी का रोल होता है मेनली क्लाइंट फेसिंग एंड ऑल्सो गेटिंग वर्क डन फ्रॉम द एनालिस्ट एंड एसोसिएट, राइट। एंड देन द नेक्स्ट लेवल इज मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी जिसको हम बोलते हैं। तो एमडी का मेन काम होता है डील सोर्स करना, यानी इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए डील लेके आना। एंड द मोस्ट सीनियर लेवल इन द इन्वेस्टमेंट बैंक इज पार्टनर्स। तो पार्टनर्स का मतलब क्या है, वन क्लाइंट फेसिंग, ऑब्वियसली मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि बिजनेस को मैक्सिमाइज करना इन्वेस्टमेंट बैंक के। ऑल्सो दे हैव अ शेयर इन द फीस व्हाट यू आर अर्निंग फ्रॉम द क्लाइंट, that's why they are partner in the total fee what you have earned or what the business you have generated for the bank. So friends, ye to ho gaye different levels, you know, in the investment banking. Ab guys, ek investment banks kya sirf deal making hi karte hain, yani kya kya different functions hai investment bank ke, iske bare mein baat kare. Friends, ek investment bank, suppose Goldman Sachs ya Morgan Stanley, kya aapko lagta hai sirf ye M&As IPOs hi karte hain? नहीं, इनके डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। तो अगर हम इनके वर्टिकल्स की बात करें तो ऑब्वियसली वन वर्टिकल इज IBD, जिसके अंदर ये सब एक्टिविटीज आती हैं जो एडवाइजरी रिलेटेड है, यानी डील मेकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज जो अभी हमने डिस्कस किया है। देन द सेकेंड सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक इज इक्विटी रिसर्च। यानी इक्विटी रिसर्च में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या करते हैं, दे डू रिसर्च ऑन द लिस्टेड कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज, एंड दे डू जस्ट इंडिपेंडेंट रिसर्च, नॉट फॉर देयर क्लाइंट, एंड दे प्रेजेंट देयर व्यू अबाउट द कंपनीज एंड द इंडस्ट्रीज टू द मार्केट। अब उन रिसर्च रिपोर्ट्स के बेसिस पे कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी मार्केट में पोजिशंस ले सकता है, राइट। जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपके हेज फंड्स हो गए, रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, HNIs हो गए। सो दे डू रिसर्च एंड दे सेल देयर रिपोर्ट इन द मार्केट, एंड देयर दे प्रेजेंट देयर अनबायस्ड व्यू। सो हियर दे आर नॉट वर्किंग फॉर देयर क्लाइंट, बिकॉज अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो आप बायस्ड हो, राइट। तो इक्विटी रिसर्च में यू आर नॉट वर्किंग फॉर द क्लाइंट, नॉट वर्किंग फॉर द कंपनीज जिनके ऊपर आप रिसर्च इनिशिएट कर रहे हो। यू जस्ट गिव योर इंडिपेंडेंट व्यू टू द मार्केट, एंड बेस्ड ऑन दोज रिपोर्ट्स यू नो यू टेक पोजिशन। यू नो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द मार्केट, यू नो दे टेक पोजिशन इन द स्टॉक्स ऑफ द कंपनीज। थर्ड सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इज ट्रेडिंग डेस्क। सो ट्रेडिंग डेस्क में क्या होता है गाइज, ट्रेडिंग साइड पे क्या होता है, दे ट्रेड इन द स्टॉक्स ऑफ द कंपनीज, राइट। से इक्विटी स्टॉक्स एंड ऑल्सो अदर वर्टिकल्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, से करेंसी मार्केट, कॉमोडिटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट एंड ऑल। सो देयर दे डू हैवी ट्रेडिंग इन द मार्केट एंड दे मेक पोजिशंस इन द मार्केट। ऑब्वियसली दे यूज लॉट्स ऑफ स्ट्रेटजीज देयर, एल्गो ट्रेडिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। सो देयर द बैंकर्स रोल इज वॉट, रादर ट्रेडर्स रोल इज वॉट, trading, making a short-term position in the market and maximizing the profits for the bank, right? So guys, these are the three important vertical of investment banks. Iske alawa, you will see ki some of the investment banks are also acting as a private equity funds. Yani, unke apne khud ke private equity funds hain, jo apna khud ka paisa private companies mein lagate hain. Jaise the name suggests private equity, yani private companies mein equity lena. तो इधर भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स डिफरेंट कंपनीज में जो उनको लगता है कि काफी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज हैं या बिजनेसेस हैं, दे टेक स्मॉल स्टेक इन दोज प्राइवेट कंपनीज इन द अर्ली स्टेज व्हेन द कंपनी इज ग्रोइंग, व्हेन द बिजनेस इज ग्रोइंग, एंड देन दे एग्जिट एट अ वेरी हाई वैल्यूएशन। सो दिस इज द अनदर वर्टिकल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स। देन गाइस, सम इन्वेस्टमेंट बैंक्स ऑल्सो हैव अ लेंडिंग आर्म, राइट, वेयर बिकॉज दे हैव ह्यूज फंड्स विद देमसेल्व्स, सो समटाइम दे use this fund to fund transaction cost. So many times, suppose they are advising a client on the acquisition side, right? And your client need to raise some funds from the bank. So if they are convinced with the acquisition, they can also lend their own funds, you know, to fund this acquisition transaction, and they make interest on it. So guys, you will see investment banks is not just mergers and acquisitions. Investment bank is not just initial public offering advisory. Investment bankers do lots of things in the market. So anything which is related to capital market, it comes under purview of investment banking. So friends, I hope
this video would have given you a fair idea about what investment bankers do, what exactly investment banking means, what are the different verticals of investment banks, and what are the different levels you can start your career in the investment banking, right? And friends, in the next video, we'll discuss about difference between the investment banks and the private equity funds. So stay tuned, stay connected. Goodbye.